IBN 7 Horsefly. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुवाहाटी के डीजी कॉन्फ्रेंस में, और अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कई अहम पहलुओं को छूते हुए सभी को इंतजार कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। किरण रिजिजू जी, विभाग के सभी अधिकारी और पुलिस बेड़े के सभी लीडर्स, आज जिन लोगों का सम्मान हुआ है उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। चाणक्य के समय से हम लोग पढ़ते आए हैं कि किसी भी राष्ट्र रक्षा के भीतर जितना सामर्थ्य शस्त्र में होता है उससे ज्यादा सामर्थ्य ये शस्त्र किसके पास है उस पर निर्भर रहता है, और उससे भी आगे शस्त्र भी हो, शस्त्रधारी भी हो, लेकिन राष्ट्र रक्षा की सफलता की मूल धारा तो गुप्तचर तंत्र के सहारे ही चलती है। जिस व्यवस्था के पास उत्तम प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को कभी भी न शस्त्रधारी की जरूरत पड़ती है न कभी शस्त्र की जरूरत पड़ती है, और शस्त्र के उपयोग की तो कभी आवश्यकता ही नहीं रहती है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा के विषय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई इकाई होती है तो वो होता है गुप्तचर तंत्र, और उस क्षेत्र में सेवा करने वाले उन अधिकारियों का सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है। मैं फिर एक बार उनकी इस उत्तम सेवा के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। सबको आश्चर्य हो रहा है कि इतने सालों से जो परंपरा चल रही थी उसे तोड़ करके दिल्ली के बाहर हमें गुवाहाटी क्यों ले जाया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस दिल्ली में मीटिंग होती है तो आप अपनी भी बहुत व्यस्तताएं लेकर के आते हैं, आपको लगता है आए हैं तो चार काम और भी कर लें, मिनिस्ट्री में चले जाएं, सेक्रेटरीज को मिल लें, राज्य के सवालों के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। दिल्ली के बाहर जाने के कारण आप जब से आए हो तब से पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल गए होंगे। यहां कोई और एक्टिविटी नहीं है इसलिए पूरा फोकस यहां की एक्टिविटी पर आया होगा, और सबसे ज्यादा लाभ नॉर्थ ईस्ट में यहां के जो लोग हैं उनका इतना उत्साह बढ़ा होगा, यहां के पुलिस बेड़े को इतना उत्साह बढ़ा होगा, तो अपने आप में ये थोड़ा सा ही बदलाव कितने बड़े परिणाम ला सकता है ये अनुभव आप भी करते होंगे, हो सकता है आगे जाकर के आप भी करेंगे। एक शुभ शुरुआत है, आगे भी हम चाहेंगे कि इस प्रकार के इवेंट दिल्ली के बाहर हुआ करें, और
राज्यों में जाते जाते कभी दिल्ली की बीमारी आएगी, ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में नहीं आएंगे, लेकिन दिल्ली में जब कार्यक्रम होता है तो दिल्ली पुलिस का कोई रोल ही नहीं होता है, वो भारत सरकार और एक विज्ञान भवन रेडीमेड रहता है और आप अपने भवनों में रहते हैं और चले आते हैं। ये एक बदलाव है और ये बदलाव व्यवस्था में प्राण बहुत आवश्यक होते हैं। रोबोटिक की व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं, व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं प्राणवान होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में से प्राण शक्ति में इजाफा होना चाहिए और ये बदलाव आपको उस दिशा में ले जाएगा। आप भी अपने राज्य में इसी प्रकार के प्रयोगों की ओर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज कल से आप लोग बैठे हैं, कुछ सीरियस नेचर की बातें, कुछ हल्की फुल्की बातें, लेकिन एक अच्छे माहौल में हुआ है। मैं भी आज दोपहर तक आपके बीच रहने वाला हूं, मैं ज्यादा समय आपको सुनने में लगाना चाहता हूं, लेकिन एक दो विषय हैं जो आज मैं बताना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद 33,000 पुलिस के जवान देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाए, नागरिकों की सुख सुविधा के लिए शहीद हो जाए, ये घटना छोटी नहीं है। लेकिन क्या पुलिस बेड़े के लोगों को पता है कि अपने साथियों ने, 33,000 लोगों ने भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए हैं? सामान्य नागरिक को तो पता होने का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे पहली आवश्यकता लगती है कि 33,000 बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। समाज में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े, वो भी तो किसी मां का लाल था और ड्यूटी के लिए मरा है वो, लेकिन पता नहीं क्यों किसी न किसी हालत के कारण इसके प्रति एक उदासीनता बरती गई है। मैं चाहूंगा कि आप में से एक छोटा सा टास्क फोर्स बने, कुछ सीनियर अनुभवी लोगों का बने, हम इस बलिदान की विरासत को, ऐसी कौन सी चीजों को इनकॉर्पोरेट करें ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए हमारी प्रेरणा का कारण बने। हम ऐसे प्रोटोकॉल कैसे तय करें जिन प्रोटोकॉल के कारण जो शहीद पुलिस है उसके शरीर की अंत्येष्टि तक की सारी क्रिया का एक प्रोटोकॉल कैसे हो ताकि उसके सम्मान की ओर कोई व्यवस्था विकसित हो। हर राज्य की अपनी एक पुलिस अकादमी होती है, वहां न्यू रिक्रूटेड की ट्रेनिंग होती है। क्या उनके अंदर एक सिलेबस, एक किताब उस राज्य के जितने भी पुलिस बेड़े के जवान शहीद हुए हैं उनके जीवन पर लिखी हुई एक किताब हो सकती है क्या? हर राज्य की अपनी एक किताब होनी चाहिए, ऑफिशियल गवर्नमेंट बुक होनी चाहिए, जिसने प्राण दिया है, किस अवसर पर दिया, कैसे दिया, कैसा साहस दिखाया, कितनों की जिंदगी बचाई। जो नई पीढ़ी की पुलिस आएगी, नया कांस्टेबल की भर्ती होगी और चीज सीखेगा, इस किताब को भी उसको पढ़ना होगा, इस किताब पर एग्जाम लेनी देनी होगी उसको, उसको अपने आप को पता लगेगा मेरे बेड़े में मेरे पहले इतने लोग बलि चढ़ चुके थे। ये अपने आप में पीढ़ी दर पीढ़ी वो जुड़ता चला जाएगा। नई हर साल किताब की नई एडिशन निकले,
क्या हम अभी तय कर सकते हैं कि हर राज्य एक ई बुक निकाले जिस ई बुक में इन 33,000 बलिदानी लोगों के बारे में सबकी फोटो शायद संभव न भी हो, उस परिवार के पास हो तो लेनी चाहिए, लेकिन एक ई बुक हो वो जिस प्रदेश में बलिदान हुआ उस प्रदेश की भाषा में भी हो और नेशनल लैंग्वेजेज में भी हो। प्रकल्प छोटा होगा लेकिन प्रेरणा अपरंपार होगी। उसी प्रकार से मैंने देखा है कि पुलिस वेलफेयर के लिए कई छोटे मोटे कार्यक्रम पुलिस डिपार्टमेंट करता रहता है, सिने कलाकार आते हैं, नृत्य नाट्य का भी कार्यक्रम करते हैं, मुंबई वाले तो ज्यादा ही करते हैं, उस समय एक सुवेनियर भी निकालते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, फंड कलेक्ट होता है, उसकी बारीकियों में तो मैं गया नहीं हूं, मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या हम ये तय कर सकते हैं कि साल में जब ऐसा सोवेनियर निकलेगा उस सोवेनियर की मुख्य विषय उस वर्ष के उस राज्य के बलिदान हुए पुलिसों की जीवन गाथा ही उसमें छपेगी। हमें तय करना होगा उनके जीवन को ऐसे खत्म नहीं होने देना चाहिए, वो शरीर से रहा या न रहा हो लेकिन पुलिस बेड़े के लिए और समाज के लिए वो कभी मरना नहीं चाहिए। ये हमारा दायित्व है। आगे हुआ या न हुआ उसकी मुझे चर्चा करने का कोई कारण नहीं बनता है, लेकिन आगे हो इस पर भी तो हम सोच सकते हैं। और मैं मानता हूं कि इन चीजों का बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात है पुलिस वेलफेयर। मैं जानता हूं सबसे ज्यादा तनाव मुक्त अगर तनाव भरी जिंदगी किसी की है तो पुलिस बेड़े की है। वो अपने जीवन को दांव पे लगाता है, अगर उसके परिवार में सुख और संतोष शांति नहीं होगा तो वो ड्यूटी नहीं कर पाएगा। वो कितना ही त्यागी तपस्वी बलिदानी अफसर होगा तो भी परिवार की बेचैनी उसको बेचैन बनाती है। ये सरकार का और हम सबका दायित्व है कि हम पुलिस परिवार के वेलफेयर के लिए कोई सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या? जैसे उनका परिवार के सबका मेडिकल चेकअप कैसे हो, इंक्लूडिंग पुलिस के लोग, उनकी बच्चों की शिक्षा दीक्षा के संबंध में क्या हो। ज्यादातर नीचे तबके के जो पुलिस के जवान हैं उनकी रहने की सुविधाएं कैसी हैं, उस पर हम कोई ध्यान दे सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है कि सब होता नहीं है। हमारे लिए एक अच्छा है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे और सफल मुख्यमंत्री रहे, और इसलिए उनको इन विषयों की बहुत बारीकी का ज्ञान है और उनका मार्गदर्शन आने वाले दिनों में हमें बहुत काम आने वाला है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा तो होम डिपार्टमेंट अपने पास होने के कारण उसकी बारीकियों से मैं परिचित हूं, धरती पर क्या चल रहा है उससे मैं जानकार हूं, और इस कारण संभावना है कि हमारी ये प्रायोरिटीज है। हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस वेलफेयर के काम को हम वैज्ञानिक तरीके से विकसित करें और मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो आप देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कभी कभार हम पुलिस के लोगों का मुश्किल क्या होता है जी, सामान्य मानवी के दिमाग में आप
हिंदुस्तान की मूवी ने पता नहीं पुलिस को ऐसा पेंट करके रखा हुआ है। मैंने अभी बहुत कम ऐसी मूवी देखी कि जहां पुलिस के त्याग और तपस्या की कोई कथा आई हो, और उसके कारण जनमानस पर ऐसी छवि बन गई है। हमने स्पेशली एफर्ट्स करने चाहिए। भारत सरकार ने कोई एक पीआर एजेंसी कर करके ये सारे फिल्म प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। अगर हम समाज की रक्षा करने वाली इतनी बड़ी शक्ति का सम्मान और गौरव नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी बुराइयां भी कम नहीं होगी। हम परिवार में भी एक बच्चा गलती करता है तो बार बार गलती 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 दोहरा करके उसको ठीक नहीं करते हैं, उसकी गलती ध्यान में रखते हैं लेकिन अच्छाइयों की ओर ले जाते हैं तो अच्छा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। कमियां होगी, किसमें नहीं है, लेकिन कमियों को दूर करने का रास्ता भी तो होता है, और वो समाज के सहयोग के बिना संभव नहीं होता है। और मैं चाहता हूं कि एक लंबी दूरी की सोच के साथ भारत के पुलिस के संबंध में लोगों की सोच बदली जा सकती है, और धरती की हकीकत के द्वारा उसको किया जा सकता है। कभी कभार क्या होता है, पुलिस से जुड़ी हुई एक नेगेटिव खबर इतने दिनों तक मीडिया में छाई रहती है, लेकिन उसी कालखंड में सैकड़ों अच्छी चीजें हुई होती हैं, वो कभी भी उजागर नहीं होती है। मैंने जब मैं गुजरात में था तो एक छोटा प्रयोग किया था, अगर आप लोगों को उचित लगे तो आप उस प्रयोग पर सोचिए। मेरे गुजरात छोड़ने के बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, उसमें कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने एक आग्रह किया था हर पुलिस थाने की अपनी वेबसाइट हो, पुलिस थाने की वेबसाइट, और वो पुलिस थाना उस पुलिस थाने में उस वीक में जो अच्छी से अच्छी समाज के सेवा की कोई गतिविधि हुई हो, कोई दुखी आया उसको बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया है, किसी का बहुत नुकसान होना था पुलिस पहुंच करके बचा लिया, मदद कर ली, हजारों घटनाएं कम नहीं है जी। आप निराश मत होना, आपके माध्यम से देश के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन आप ही उसको उजागर नहीं करते। क्या पुलिस थाने की अपनी वेबसाइट हो और हर हफ्ता एक सच्ची एंड 100% सच्ची होनी चाहिए पॉजिटिव स्टोरी हम ऑनलाइन रखें, आप फिर उसको कभी देखिए, आपको ध्यान आएगा कितनी लाखों सकारात्मक चीजें पुलिस के माध्यम से हो रही है जो समाज का विश्वास पैदा कर सकती है। आर्टिफिशियल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, है धरती पर है, हर व्यक्ति आपको मिलेगा जो कहेगा हां भाई मेरे जीवन में एकांत बार तो पुलिस की मुझे अच्छी मदद मिल गई थी, कौन कौन मिल जाएगा आपको, लेकिन कलेक्टिवली ये चीजें लोगों के सामने आती नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उस दिशा में कुछ सक्रियता से सोचें, और सक्रियता से सोच करके उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, जब मिलेंगे तब इन विषयों में विस्तार से बात करेंगे। एक मेरे मन में है, स्मार्ट पुलिस का मेरे मन में कंसेप्ट है, स्मार्ट पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिस, स्मार्ट पुलिस बेड़ा, इसको लेकर के हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और जब मैं स्मार्ट पुलिस की बात करता हूं तब एस स्ट्रिक्ट, लेकिन साथ साथ एस फॉर सेंसिटिविटी, पुलिस ट्रिक भी हो पुलिस सेंसिटिव भी हो, एम मॉडर्न हो और मोबिलिटी हो, स्टैग्नेंसी नहीं होनी चाहिए।
अलर्ट भी हो, अकाउंटेबल भी हो। आर रिलायबल हो, रिस्पॉन्सिव भी हो। टी टेक्नो सेवी हो और ट्रेंड हो। स्मार्ट पुलिस एस फॉर स्ट्रिक एंड सेंसिबल, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबिलिटी वाले, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी फॉर टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। इन पांच बिंदुओं को लेकर के हम आगे बढ़े, मुझे विश्वास है हम पूरे पुलिस बेड़े में एक नई जान भर सकते हैं, एक नई चेतना भर सकते हैं। फिर एक बार आज जिनको मुझे सम्मान करने का अवसर मिला है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे भी इस प्रकार के पराक्रमों से भरा हुआ हमारा पुलिस बेड़ा सामान्य नागरिक की सेवा करने में, उसको सुरक्षा देने में और सबसे बड़ी बात उसमें विश्वास पैदा करने में हम सफल होंगे। बाकी जब हम मिलेंगे तब विस्तार से बातें करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीजी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे इस सभा को संबोधित करते हुए, जहाँ पे स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और किस तरह से तमाम पुलिस कर्मियों के जो अच्छे काम है, अच्छे कार्य हैं, उनको हम ग्लोरीफाई करें, समाज के हर तबके तक पहुंचाएं और इसके अलावा हमारे जो देश के जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को हम कभी ना भूलें। ये तमाम मुख्य बिंदुओं पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां पर रुकते हैं कुछ पलों के लिए।